नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सिलेबस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस के कोड EL 206 के वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 3 एंटीना के ब्रॉड साइड एरे को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले एंटीना के बारे में थोड़ी बात करें तो एंटीना एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने में काम आता है। साथियों, जो कम्युनिकेशन होती है वो वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। एंटीनाज हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। एंटीना वैसे तो सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने में काम आते हैं और अलग अलग एंटीनाज अलग अलग बैंडविड्थ सिग्नल की फ्रिक्वेंसी और इस पर काम करते हैं, लेकिन हम उस सिग्नल की ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स से हम उसे चेंज कर सकते हैं। ब्रॉडसाइड एरे उसी का एक टाइप है। बेसिकली एंटीना एरे के अंदर एक एरे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल्स होता है जो कि इक्वल साइज और एक फिक्स मैनर के अंदर प्लेस्ड होते हैं ताकि हम डिजायर्ड डायरेक्टिविटी और गेन हम ले सकें एंटीना से, डिजायर्ड डायरेक्टिविटी और गेन उससे ले सकें। तो एंटीना अरे दो तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं बेसिकली, लेकिन सिलेबस ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के अंदर दो तरह के अरेज डिस्कस किए गए हैं, ब्रॉडसाइड एरे और एंड फायर एरे। इसके अलावा यागीउडा एरे, कोलिनियर अरेज और भी कई तरह के अरेज होते हैं। हम आज ब्रॉडसाइड एरे को डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉडसाइड एरे is defined as antenna which is having equal size dipoles which are separated by equal distance and their radiation patterns direction is perpendicular or broadside to array axis। यानी broadside array एक ऐसा antenna होता है जिसके अंदर number of dipoles हम use करते हैं और सारे जो भी dipoles होते हैं वो equal size के होंगे। उसके साथ ही साथ वो सारे के सारे equal size के साथ होने के साथ साथ एक equal डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं। जो इनका रेडिएशन पैटर्न होता है वो रेडिएशन पैटर्न जो एरे की एक्सिस होती है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारा इनका जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो एग्जिस्ट करता है। जो डाइपोल्स होते हैं या उन पर हम सेम फेज का करंट फीड करते हैं और ये जो डाइपोल्स होते हैं वो 1/2 वेवलेंथ से एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। जो ब्रॉडसाइड एरे होता है वो बेसिकली बाईडायरेक्शनल एरे होता है और इसको हम रिसीविंग और सेंडिंग एंड किसी भी एंड पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इसे रिसीवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसे सेंड एंटीना की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसमिशन एंटीना की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम नीचे देख सकते हैं जो ब्रॉडसाइड एरे है उसका अरेंजमेंट, ये डाइपोल्स होते हैं, इनमें जो फीड होती है डाइपोल्स में जो क्रॉस फीड होती है, क्रॉस फीड होने की वजह से इनमें करंट और जो फेज़ है, करंट का फेज़ है वो सेम फेज़ में रहता है। एक और अरे होता है एंड फायर अरे, उसके अंदर और इसमें ब्रॉडसाइड अरे में ये जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि एंड फायर अरे के अंदर जो फीड है, करंट फीड है, वो जो एडजेसेंट डाइपोल्स है उससे 180 डिग्री के शिफ्ट पर रहता है। उसके अलावा ये जो रेडिएशन पैटर्न है, ये रेडिएशन पैटर्न ये दिखाता है कि ये ब्रॉडसाइड अरे जो होता है वो बाईडायरेक्शनल एंटीना होता है। दिस एंटीना इज एट राइट एंगल्स टू द प्लेन एंड इज बाईडायरेक्शनल। द रेडिएशन बीम वाज वेरी नैरो पैटर्न एंड वाज ऑफ हाई गेन। गेन इसकी हाई होती है और जो पैटर्न होता है इसका वो नैरो होता है, बीम विड्थ नैरो पैटर्न होता है। अब बात करते हैं हम इसके टोटल जो करंट या इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल फील्ड या ईएमएफ फील्ड जो ये सेंड करता है, तो इसको हम डेजिग्नेट करते हैं ई टोटल इज इक्वल टू ई एट ए सिंगल एलिमेंट इनटू एएफ। ई टोटल जो हमारा ब्रॉडसाइड एरे है उसका जो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड ट्रांसमिट या रिसीव करता है वो है इक्वल्स टू ई एट सिंगल एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कि एक सिंगल एलिमेंट का है इनटू एएफ। एएफ होता है हमारा अरे फैक्टर। अब आप देख सकते हैं ई टोटल इज़ द टोटल रेडिएटेड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई एट सिंगल सिंगल एलिमेंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिंगल एलिमेंट एंड एएफ इज़ अरे फैक्टर। अब अरे फैक्टर इसलिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है अगर हम एक से ज़्यादा अरेज डाइपोल्स हम यूज़ करेंगे तो अरे फैक्टर यहाँ निकल के आएगा समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू एन ई टू पावर जे एन माइनस वन शाई, शाई डिनोट्स द रिलेटिव फेज। जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी रेंज हमारे ब्रॉडसाइड अरेज के लिए या कॉलिनियर अरेज एंटीनाज ऑपरेट एट इज़ अराउंड 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़ बिलोंग्स टू VHF एंड UHF बैंड। धन्यवाद दोस्तों, आई होप कि आज हमने ब्रॉडसाइड एरे के बारे में जो बात की वो आपको समझ में आएगी होगी। धन्यवाद।